नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी के इस करंट अफेयर्स एंड न्यूज डेस्क में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले दो दिनों की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और परीक्षा पीओगी हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उन घटनाओं को हम इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो सके। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जो है पिछले एक से दो दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पूर्व के लेक्चर में भी एक ट्रेंड बना हुआ है कि पहले हम उन महत्वपूर्ण तिथियों को शामिल करते हैं जो एक दो दिनों में जो है आई हैं और जो महत्वपूर्ण रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं तिथियों के अंतर्गत जो है, तो इसमें दो महत्वपूर्ण तिथि है, एक तो 9 सितंबर की है और दूसरा जो है वो 17 सितंबर की है। ये दोनों ही तिथि महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में जो है हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि हिमालयी पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उसके संरक्षण के लिए लोगों, एनजीओ, विभिन्न प्रकार के संगठनों के जो है भूमिका को स्वीकार किया जाए। इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी में तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कुल मिलाकर के हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी पहल जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा 2014 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्देश्य बेसिकली हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण के तरफ लोगों के जो ध्यान को आकृष्ट करना है और विभिन्न प्रकार के संगठनों की भूमिका को वहां पे स्वीकार करना है। तो ये जो है बातें रही 9 सितंबर के संदर्भ में। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, यद्यपि इसे जो है अभी हाल फिलहाल में सामाजिक न्याय के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है और ये सामाजिक न्याय दिवस को मनाने का निर्णय आधुनिक भारत के एक ऐसे समाज सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी नायगर थे जिनके जो है जन्मदिन के अवसर पर जो है इस तरीके की जो है घोषणा की गई है कि उनके जन्मदिवस को यहाँ पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में जो मनाया जाएगा, क्योंकि समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज के निचले तबकों के जीवन को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन किया था। तो इसीलिए उनके सम्मान में जो है उन 17 सितंबर को जो है सामाजिक न्याय दिवस ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाने का निर्णय किया गया है। तो ये तिथियां थी जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अभी हम चलते हैं कुछ पर्यावरण के जो है दुनिया में, तो यहां पे दो महत्वपूर्ण प्राण पोर्टल एक प्रगति है और दूसरा है जो है स्मॉग टावर। ये दो प्रगति है, ये दोनों ही जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो प्रारंभ किया गया है। प्राण पोर्टल जो है वो बेसिकली राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो है मिशन और कार्यक्रम के जो है प्रगति को ट्रैक करने के लिए जो है ये प्राण जो है पोर्टल प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो प्राण पोर्टल किससे संबंधित है इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए और यहाँ से संबंधित सवाल भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर आप मेंस के स्तर पर लिख रहे हैं तो वर्तमान की जो भी प्रगति है और सरकार के द्वारा पहल किए गए हैं यदि उसको उसमें आप सम्मिलित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर प्रभावी होता है। तो प्राण पोर्टल के संदर्भ में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। दूसरा स्मॉग टावर है, ये देश का पहला जो है क्रियात्मक स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है, आनंद विहार क्षेत्र में, और ये भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये हवा को शुद्ध रखने के लिए जो देश की पहल है, जो देश का एक मिशन है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया, क्योंकि फिल्टर के कॉन्सेप्ट पर, फिल्टर के द्वारा जो है या वायु की गुणवत्ता को शुद्ध रखने का यह प्रयास करता है। तो ये सबसे पहली बार जो है दिल्ली के आनंद विहार में लगाया गया और प्राण पोर्टल वायु की गुणवत्ता को जो है ट्रैक करने के लिए, उसकी दिशा में जो प्रगति हुई है उसके लिए प्राण पोर्टल और स्मार्ट टावर ये दोनों ही जो है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो चीजें रही हैं। एक और चीज अभी हम बता रहे हैं, बिटकॉइन
बिटकॉइन पिछले काफी समय से ये चर्चा में आता ही रहता है, कहीं पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर के। ये तब इस पर जो है किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए अलग अलग देशों में इसकी मान्यता भी दी जाती रही और नहीं भी दी जाती रही है। तो जैसे भारत के संदर्भ में है, अभी तक इसको कोई मान्यता नहीं दी गई है और इस बात के नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किए गए हैं कि यदि व्यक्ति के द्वारा इसमें कोई निवेश किया जाता है तो वह उसका व्यक्तिगत जोखिम होगा, सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यह एक विकेंद्रीकृत जो है डिजिटल मुद्रा है, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिस पर किसी भी एक देश या किसी भी एक देश के केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। यह वर्तमान समय में जो है पूरी दुनिया में जो है बहुत ही गतिशीलता के साथ जो है अपनी देयता को जो है स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली डिजिटल मुद्रा है। एक हाल फिलहाल की जो प्रगति है वो अल सल्वाडोर को है। अल सल्वाडोर इसलिए यहां पर इसको बताया गया है क्योंकि अल सल्वाडोर के द्वारा इसे कानूनी रूप जो है प्रदान कर दिया गया है, इसीलिए यह हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहा है। तो अल सल्वाडोर का संदेश है जिसके द्वारा मुद्रा को कानूनी रूप दिया गया है, तो इसलिए यह जो है हाल फिलहाल में यह चर्चा का विषय रहा है। तो बिटकॉइन को भी आपको ध्यान में रखना होगा और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण, यद्यपि भले ही भारत में इसे दर्जा नहीं दिया गया है लेकिन चर्चा में रहने के कारण से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको बिटकॉइन के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या है, भारत में उसकी क्या वैधानिक स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल सल्वाडोर में जो है उसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये थी जो है पिछले एक से दो दिनों में जो है करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम कुछ और भी जो है घटनाओं को जोड़ते हैं जो परीक्षा के लिए जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। इसमें इतिहास में जो है जयदेव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक गीत गोविंद जो है अभी हाल में ही जो है चर्चा में रही है, तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चर्चा में रही है। इतिहास के जब किसी भी विषय को या घटना को जब चर्चा में लाया जाता है वर्तमान समय में तो वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अभी इसी पुस्तक पर जो आधारित केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तथा इस लोगों की बात देश के साथ नामक एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसलिए जो है यह पुस्तक आज हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रही है और यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इतिहास में जयदेव के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो यहाँ से वर्तमान समय में सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है और बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई जो है ये पुस्तक गीत गोविंद हाल फिलहाल में चर्चा में जो है रही है। और इसके साथ जो है हेमंत एक हम व्यक्तित्व को भी तो चलते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही हैं जो चर्चा में रही हैं। तो इसमें जो है हेमंत धन जी ये न्यायिक व्यक्तित्व हैं भारत के, जिन्हें अभी हाल में ही जो है ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विकसित देशों की न्याय व्यवस्था में जो है भारत का प्रतिनिधित्व बन रहा है। भारत के जो है उपलब्धियों को, ज्ञान को, न्यायिक निष्पक्षता के जो है एक प्रत्यय को जो है स्वीकार करते हुए भारतीय मूल और भारत के न्यायाधीशों को वहां पे नियुक्ति दी जा रही है। तो हेमंत धन जी को जो है ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में एज ए न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अरुण कुमार सिंह ही है आप कह सकते हैं, ये जो है अरुण कुमार सिंह को अभी हाल फिलहाल में जो है बीपीसीएल का जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी यानी कि चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिंदी में, एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है
नियुक्त किया गया है, इनका क्या नाम है, अरुण कुमार सिंह। बीबीसीएल एक्चुअली हम विभिन्न प्रकार के संगठन देश में कार्यरत सभी संगठनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नहीं जानकारी मिला सकते हैं, रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन बीबीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की महारत्न क्षेत्र की कंपनी है और अध्यातव्य है कि भारत में अब तक केवल 10 ही जो है कंपनियों को वो महारत्न के क्षेत्र में दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा देने से उन्हें कुछ ऑटोनोमस स्टेटस प्राप्त हो जाता है जिससे वो निवेश इत्यादि क्षेत्र में स्वतः निर्णय ले पाती हैं। तो बीपीसीएल के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत में एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहा जाता है, और कोल इंडिया लिमिटेड को भी जो है उसमें दर्जा दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दर्जा दिया गया है, इसी तरीके से भेल को दर्जा दिया गया है, बीपीसीएल को दर्जा दिया गया है, एचपीसीएल को दर्जा दिया गया है, एंड इसके बाद नेशनल ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से जो भारत में जो है देखा जाए तो 10 कंपनियों को जो है महारत्न के क्षेत्र में दर्जा दिया गया है, और ये बीपीसीएल भी उसी में जब सम्मिलित है, इसलिए इसके जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह जो है इनका नाम है। अभी इसमें एक और व्यक्तित्व नाम आता है, जीव मिल्खा सिंह को अभी हाल में ही दुबई के द्वारा जो है गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। जीव मिल्खा सिंह के द्वारा खेल के क्षेत्र में जो है इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जो है योगदान और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण से दुबई के द्वारा जो गोल्डन जो है वीजा प्रदान किया गया, गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। अब ये जानना है कि जीव मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मशहूर मिल्खा सिंह के जो है पुत्र हैं और ये प्रसिद्ध जो है गोल्फ खिलाड़ी हैं, अर्थात जो है जीव मिल्खा सिंह गोल्फर हैं और मिल्खा सिंह एथलीट थे, धावक थे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इनसे इंटरकनेक्टेड और भी जानकारी आपको हो जाती है, और इतनी जानकारी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो होना भी चाहिए कि मिल्खा सिंह और जीव मिल्खा सिंह में क्या अंतर है। एक पुत्र है और एक उनके पिता हैं, एक एथलीट हैं, दूसरे जो है गोल्फ खिलाड़ी हैं, और गोल्फ खिलाड़ी यानी कि जीव मिल्खा सिंह को अभी हाल फिलहाल में दुबई के द्वारा जो है दुबई से जो है गोल्डन वीजा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये भी जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी एक और नाम, बनवारी लाल पुरोहित को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो है द्वारा पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यह जो है इस भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस तरीके के प्रगति को आप सुनिए, आप एक समझ विकसित करने का प्रयास कीजिए ताकि कर्म से संबंधित जो प्रगति हो रही है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आ रहे हैं उससे एक समझ विकसित हो जाए, और एग्जाम में अगर मिलान इत्यादि के लिए पूछे तो कम से कम आपके बारे में जो उसके बारे में एक जानकारी थोड़ी मोड़ी जरूर हो ताकि मिलान करके आप अपने एक निष्कर्ष तक पहुँच सकें। तो बनवारीलाल पुरोहित को अभी हाल ही में जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये रहे कुछ जो है व्यक्तित्व, तो अभी इसी में हम और कुछ व्यक्तित्व को जो है जोड़ते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला है नाम सरदार इकबाल सिंह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में भारत सरकार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये भाजपा से संबंधित नेता हैं, और चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो ऐसी स्थिति में जो है मुख्तार अब्बास नकवी को वहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्री वहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और ये सरदार इकबाल सिंह को वहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वो मंत्री है मंत्रालय के और ये आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन? सरदार इकबाल सिंह, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एक और नाम इसी में हाल फिलहाल जुड़ जा रहा है, एम एस धोनी।
एमएस धोनी के संदर्भ में ये न्यूज है कि इन्हें आगामी मेंस यानी कि पुरुषों की जो है T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए जो है मुख्य मेंटर के रूप में जो है चुना गया है। चूंकि लंबे समय तक भारत के एक बहुत ही सफल जो है कप्तान रहे हैं भारत के, तो ऐसी स्थिति में इनसे संबंधित अगर कोई भी न्यूज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर है तो वहां से संबंधित सवाल के पूछे जाने की संभावना और प्रायिकता बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे भी ध्यान में रखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। वैसे भी क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग फील्ड है गेम के क्षेत्र में, तो ये डेफिनेटली आप लोगों को याद करना भी चाहिए। तो मुख्य मेंटर किसके लिए हैं T20 मींस अगले वर्ल्ड कप के लिए, तो बेसिकली जो है एमएस धोनी मेंटर के रूप में जो है चुने गए हैं। कुछ समझौते इत्यादि हुए हैं उसको भी हम इसी में कवर करने का प्रयास करते हैं कि भारत और डेनमार्क के बीच, भारत प्लस डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आधारित जो है आप सोर विंड को लेकर के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि हरित रणनीतिक साझेदारी को लेकर के भारत और डेनमार्क के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और यह जो है समझौता ज्ञापन आप सौर विंड को लेकर के जो है संबंधित है, हवा और उससे ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में डेनमार्क का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत के द्वारा एक रणनीतिक स्तर पर यह पहल किया गया है कि क्यों न भारत के जो है इस प्राकृतिक जो है कारक का प्रयोग करते हुए और दुनिया के उस देश का जहाँ पे इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है उसके तकनीक का फायदा लेते हुए भारत में ऊर्जा उत्पादित किया जाए। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और डेनमार्क के बीच की यह स्थिति स्पष्ट होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि जो है सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योग। यह जो है सामान्य उद्योगों के अपेक्षा से छोटे स्तर पर होते हैं, इसमें कम धनराशि यानी कि कम जो है पूंजी से प्रारंभ किए जाते हैं, कम क्षमता में लोग काम करते हैं, निवेश इत्यादि की एक लिमिट के आधार पर बनाया गया है। तो इसकी जो है 2020 ईस्वी में जो है नई परिभाषाएं भी लागू की गई जिसे आप लोग देख सकेंगे। तो एमएसएमई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और इनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए हाल फिलहाल में जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और HDFC बैंक के बीच में HDFC बैंक प्लस जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के बीच में जो है एक समझौता हुआ है। क्योंकि इससे संबंधित सवाल पहले पूछे जाते रहे इसलिए इसको याद करना और जानकारी में रखना आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले दो दिन की जो घटनाओं पर आधारित आज का ये करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरीके का पैटर्न आप भी धीरे धीरे डेवलप कीजिए, अपने अंदर पढ़ने का प्रयास कीजिए, न्यूज़ देखिए और इस पे आधारित एक फोकस्ड लेक्चर बनाया जा चुका है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़े जाने चाहिए। एक उसमें जो है एक कंप्लीट पैकेज आपको देने का प्रयास किया गया ताकि आप में एक समझ विकसित हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।